Hey guys, this is Mukul Sharma, aka Stuff Listings. Welcome to yet another episode of Tech Stuff. Before you start watching the video, if you're new to the channel, don't forget to subscribe to Stuff Listings. आज हम स्टार्ट करते हैं गूगल के साथ। हम गूगल ने फाइनली एंड्रॉइड 11 का बीटा 2 रिलीज कर दिया। अगर आपके पास एलिजिबल कोई भी स्मार्टफोन पड़ा हुआ, आप अपने स्मार्टफोन में एंड्रॉइड 11 का सेकंड बीटा, जिसमें बहुत सारे बग फिक्सेस और बहुत सारे नए नए फीचर्स आए हैं, उनको यूज कर सकते हैं। और साथ ही साथ ऑफकोर्स मैंने आपको आज सुबह की वीडियो में बताया था कि यार एंड्रॉइड 11 स्टेबल जो पब्लिक बिल्ड होगा वो सेप्टेम्बर 8th को लॉन्च हो रहा है, और उसके बारे में और कन्फर्मेशन आज निकल के आ चुकी है। यस, 8th ऑफ सितंबर को आप एंड्रॉइड 11 अपने बाकी के स्मार्टफोन्स पे, जो भी एलिजिबल स्मार्टफोन्स होंगे उनमें चला सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कुछ प्राइवेसी और कुछ एप्स वगैरह की, जो कि आजकल बहुत ज्यादा प्रेविलेंट है, बहुत ज्यादा सोशल मीडिया वगैरह पे बातें चल रही हैं। सबसे पहले बात करते हैं पोको के जो एक इशू आया था कुछ, कि भाई कुछ ऐप्स हैं, क्लीनर ऐप है, जो कि ना सिर्फ पोको में है, शॉमी रेडमी स्मार्टफोन्स में भी है। और अब सुनने में आ रहा है कि यार इवन रियलमी स्मार्टफोन्स में चीता ब्राउजर और बहुत सारे मेलिशियस सॉफ्टवेयर ऐप्स, जो कि आपको अननेसेसरीली फोर्स करते हैं किसी पर्टिकुलर परमिशन को ग्रांट करने के लिए, उसको आप डिनाई भी नहीं कर सकते, और सिस्टम लेवल ऐप है, सो विदाउट रूटिंग आप इसको रिमूव भी नहीं कर सकते, डिसेबल करना भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो पोको ने इसके लिए एक ओपन लेटर पोको कम्युनिटी के लिए रिलीज किया, उसमें लिखा हुआ है, फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने थैंक्स वगैरह कहा है पोको M2 प्रो के लिए। वो कह रहे हैं वी केम अक्रॉस सम कंसर्न्स रेज्ड फ्रॉम द रिव्यूअर कम्युनिटी, दैट इज वी पीपल। मैंने भी पोको को पर्सनली मैसेज करके बोला था, और बहुत सारे यूट्यूबर्स ने आई बिलीव बोला होगा, तो ही इन लोगों ने ये एक ओपन लेटर हमें दिया। वो कह रहे हैं कि वी वुड हेयर बाय लाइक टू क्लेरिफाई दैट द सॉफ्टवेयर वर्जन एंड डिवाइस प्रोडक्शन फॉर दीज यूनिट्स Started before the directed from the GOI, that is the government of India. ये बात मैंने भी आपको वैसे by the way बोली थी। That being said, we assure you that no personal information has been shared with any entity whose apps have been blocked by the government order and we have already taken all measures to fix this issue by way of a software update for end users. ये मैंने आपको बताया था कि ऐसा ही कुछ होना चाहिए। अब at least this is the least which Poco and any other brand should do. तो yes. मेरे को लग रहा है 14th को सेल है, उससे पहले मैं ट्राई करूंगा कि बात करने की, वापस से पोको को बोलूंगा यार एक अपडेट आप पहले ही निकाल दो सेल से पहले, कि आपके पास जब स्मार्टफोन आए आपको उसको ऑन करके अपडेट ना कर, मतलब सीधा आपके पास अपडेट अवेलेबल हो, आपको ये जितनी भी ऐप्स वगैरह ये ज़्यादा फोर्स फोकस ना करना पड़े इन सब पे, और ज़्यादा इनको फेस ना करना पड़े। बट स्टिल इससे कहीं भी वो अभी तक इशू एड्रेस नहीं हुआ कि यार ये जो क्लीन ऐप है, क्लीनर ऐप में जो ब्राउजर, वो जो परमिशंस वगैरह ली जा रही हैं उसके बारे में। और उसके बाद बहुत सारी चीज़ें खुल के आई हैं, एलिजिडली सैमसंग के भी स्मार्टफोन्स में ऐसा हो रहा है। ये तो ऑफकोर्स मी हुआ, ये तो शॉमी रेडमी और पोको तो आ ही गया कटघरे में, उसके साथ रियलमी के स्मार्टफोन्स में भी ऐसा हो रहा है, ओप्पो के स्मार्टफोन्स में हो रहा है ऐसा। तो ऑलमोस्ट बहुत सारे अलग अलग ब्रांड्स के बारे में ऐसी बात चल रही है। तो अब देखते हैं क्या रिस्पांस आता है ब्रांड्स की तरफ से, बट मेरा काम है आपको बताना यहाँ पे। और साथ में इसके साथ इंडियन आर्मी ने रिपोर्टेडली 89 डिफरेंट ऐप्स के लिए अपने पर्सनल को, या फिर अपने इंडियन आर्मी के जो भी मेंबर्स हैं, उन लोगों को बोल दिया कि इन ऐप्स को आप डिलीट कर दो। दीज ऐप्स इंक्लूड फेसबुक, टिकटॉक, ऑफकोर्स टिकटॉक, ट्रू कॉलर ऑफकोर्स, एंड इंस्टाग्राम, टू प्रिवेंट और टू प्लग लीकेज ऑफ इन्फॉर्मेशन। ये इंडियन आर्मी की कुछ सोर्सेज बता रहे हैं, और यस मैं यहाँ पे ज्यादा टेक्निकल बातें नहीं करूंगा। आई बीन अ पार्ट ऑफ दिस आर्मी एंड देर आर सेवरल रिस्ट्रिक्शंस व्हेनेवर वी यूज सोशल मीडिया, हमें इतना ज्यादा चीजें नहीं करनी चाहिए वहां पे, तो कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, उनकी बात मैं यहाँ पे नहीं करूंगा इस प्लेटफॉर्म पे, दिस इज अ टेक प्लेटफॉर्म। बट स्टिल अगर आप जानना चाहते हैं इसके बारे में आप मेरे को डीएम वगैरह कर सकते हैं। नेवर्थलेस ये न्यूज है, इंडियन आर्मी ने कुछ ऐसा कहा है, ऐसा रिपोर्ट्स में आ रहा है। अब ये कंफर्म इंडियन आर्मी ने कहा है कि नहीं कहा, जैसे ये कुछ पता चलेगा आई विल लेट यू नो। आगे बढ़ते हैं सैमसंग की तरफ, सैमसंग गैलेक्सी बड्स एक्स या फिर जो बीम, जो भी TWS का भी कुछ सैंपल लीक वगैरह निकल गया था, अगर आपने पुरानी टेक्स्ट ऑफ मेरी नहीं देखी आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। सैमसंग गैलेक्सी बड्स एक्स अब FCC और नेमको AS सर्टिफिकेशन होती है, इन दोनों सर्टिफिकेशन पे आ चुके हैं, एंड ये हो सकता है गैलेक्सी अनपैक में आपको देखने को मिल जाए, अलॉन्ग साइड द सैमसंग गैलेक्सी नोट 20 सीरीज, सैमसंग गैलेक्सी वो जो फोल्डेबल आना है, Z Fold 2 जो भी है, और उसके साथ सैमसंग गैलेक्सी वॉच 3। ये तीन चीजें तो ऑलमोस्ट कंफर्म्ड है कि 5th ऑफ अगस्त को लॉन्च हो रही हैं। अब सुनने में आ रहा है कि सैमसंग गैलेक्सी बड्स एक्स भी लॉन्च हो जाएंगे, प्रीमियम ईयरबड्स होंगे, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि इनकी प्राइसिंग अच्छी खासी होगी। स्पीकिंग ऑफ प्रीमियम ईयरबड्स, सोनी की TWS की अनबॉक्सिंग आज सुबह हमने अपने चैनल पर की थी, अगर आप उसको जाके देखना चाहते हैं आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। और साथ साथ बात करते हैं सैमसंग के अपकमिंग स्मार्टफोन्स की, तो सुनने में आ रहा है कि सैमसंग भी एप्पल की लाइंस पर जाने की सोच रहा है, एंड
सैमसंग के अपकमिंग स्मार्टफोन्स में हमें एक यू नो बॉक्स के साथ बंडल्ड चार्जर हो सकता है ना देखने को मिले। अब ये न्यूज इनिशियली जब मैंने सुनी तो मेरे को भी लगा यार क्यों, ये बहुत गलत चीज है। एज अ रिव्यूअर मेरे पास बहुत सारे चार्जर्स वगैरह पड़े होते हैं। एज एन एंड कस्टमर जिसको एक ही फोन खरीदना है या दो फोन खरीदने हैं, एक में यूएसबी 2.0 है, मे बी एक में यूएसबी 3 है, उसके लिए चार्जर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। बट उसके बाद बहुत सारे लोगों ने स्टफ लिस्टिंग सार में आप लोगों ने भी ये बात बोली कि यार थिंक अबाउट द ई वेस्ट, बिकॉज यार आजकल लोग थोड़े फ्रीक्वेंटली फोन खरीदते हैं तो क्या होता है, जैसे मेरे पास ये 7-8 फोन पड़े हैं, इनके चार्जर्स भी मेरे पास 7-8 होंगे, उससे बचने के लिए सैमसंग और एप्पल ये चीज ट्राई कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि आपको प्राइस सेम मिलेगा, प्राइस में से जो एक्चुअल प्राइस में से चार्जर का प्राइस काट दिया जाएगा, तो आपके पास ऑप्शन है। अगर आपके पास चार्जर ऑलरेडी अवेलेबल है, जितने का भी है, 1000 रुपए का चार्जर अगर कंपनी दे रही है उसमें से माइनस कर लेगी और बोलेगी आप चार्जर मत खरीदो। अगर आपके पास चार्जर नहीं है, आप 1000 रुपए एक्स्ट्रा पे करके चार्जर समेत फोन ले सकते हैं। तो मेरे हिसाब से एक अच्छा ऑप्शन है, आला काटे पैकेज वगैरह है। मैं तो कहूंगा आगे ऐसा ही बाकी चीजों के साथ भी हो, अगर आपको बॉक्स नहीं चाहिए खाली फोन चाहिए और पैसे बचा सकते हो, मैं तो कहूंगा कि यार ई वेस्ट या कोई भी वेस्ट बचाने के लिए ये सब चीजें करेंगे तो हमारे पैसे भी बचेंगे। आपका क्या कहना है बाय द वे इस चीज के बारे में, कमेंट सेक्शन में आप हमें बता सकते हैं। आगे बढ़ते हैं Huawei के सब ब्रांड Honor की तरफ। एंड Honor का गेमिंग लैपटॉप मैंने आपको बताया था कुछ टाइम पहले लॉन्च होने वाला है, एंड यस अब सुनने में आ रहा है कि अगस्त महीने में आपको Honor का गेमिंग लैपटॉप /लैपटॉप्स देखने को मिलने वाले हैं। सो ज्यादा टाइम नहीं रह गया, मिड जुलाई ऑलमोस्ट आने वाला है, आपको अगले महीने Honor की तरफ से गेमिंग लैपटॉप मार्केट में मिल जाएंगे। इफ इन केस यू आर इंटरेस्टेड इन बाइंग एन Honor गेमिंग लैपटॉप, थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं गूगल के जी बोर्ड की तरफ। एंड जी बोर्ड नाउ एड सपोर्ट फॉर एंड्रॉइड 11's न्यू इमोजीज। तो एंड्रॉइड 11 के साथ जो नए इमोजीज आए थे बहुत लोगों को पसंद आए थे, थर्ड पार्टी जो भी कीबोर्ड्स हैं वो तो धीरे धीरे ऐड करते जा रहे हैं, बट गूगल का जो अपना जी बोर्ड है उसमें अब आपको एंड्रॉइड 11 के नए इमोजीज देखने को मिल जाएंगे। आगे बढ़ते हैं गोरिल्ला ग्लास की तरफ। एंड गोरिल्ला ग्लास प्रोटेक्शन हमारे स्मार्टफोन्स में ना हो या अपनी घड़ी उड़ी में ना हो तो हम लोगों को बहुत टेंशन होती है कि यार स्क्रैच नहीं हो पड़ जाए, फोन टूट ना जाए, ये है वो है जो भी चीजें हैं। गोरिल्ला ग्लास 7 अब जल्दी ही आने वाला है। गोरिल्ला ग्लास का 7 का एक टीजर वीडियो लॉन्च हुआ है कुछ टाइम पहले, मैंने ट्वीट भी किया था, यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, आप जाके उसको चेकआउट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं आईकू की तरफ। आईकू ने एक नया ट्रेडमार्क फाइल किया जिसका नाम है आईकू गेम बॉक्स। अभी आईकू गेम बॉक्स क्या है इसके बारे में तो अभी पता नहीं है, बट जल्दी ही कुछ इन्फॉर्मेशन जब भी निकलेगी मैं आपको बता दूंगा। बट साथ ही साथ आईकू ने लॉन्च कर दिया अपना आईकू Z1 X स्मार्टफोन चाइना में, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्मार्टफोन है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं इसकी स्पेसिफिकेशंस। Qualcomm Snapdragon 765G प्रोसेसर, 120Hz की रिफ्रेश रेट के साथ IPS LCD पैनल, 33W की फास्ट चार्जिंग, 5000mAh बैटरी, 48MP का क्वाड रियर कैमरा, ये सारी चीजें आपको मिलती हैं आईकू Z1 X स्मार्टफोन में, और साथ में आपको मिलता है Qualcomm Snapdragon 765G। ये शायद मैंने पहले भी बोल दिया है, बट जो भी है इसकी प्राइसिंग अगर हम बात करें तो 1598 युआन से इसकी प्राइसिंग स्टार्ट है, दैट इज समवेयर अराउंड 17,000 रुपीज। 17,000 रुपए में आपको Qualcomm Snapdragon 765G प्रोसेसर अगर मिल गया इंडिया में, ट्रस्ट मी इससे बेटर आपको ऑफरिंग नहीं मिल सकती। बट यस, इंडिया में GST है, ये है वो है, कितना हो जाएगा 1598 युआन को अगर आप डायरेक्ट कन्वर्जन करो 17,000 होता है, 8,000 रुपए और ऐड कर लो 25,000 रुपए। यू नो इवन इफ यू आर स्पेंडिंग दिस मच ऑफ मनी, या ऑफकोर्स वहां पे आपको Realme X3 मिल जाएगा, आपको Oppo ये जो OnePlus Nord है ये सब कुछ मिल जाएगा, बट स्टिल इतना महंगा होने के चांसेस कहां लगते हैं आपको? आपको लगता है कि जो चीज 17,000 रुपए में है वो 25 में लॉन्च होगी? इतना तो महंगा ये नहीं होना चाहिए। बट अगर आईकू Z1 X स्मार्टफोन इंडिया में 20,000 के आसपास आ गया, इट कैन परफॉर्म रियली वेल इन माई ओपिनियन। आपको क्या लगता है आईकू Z1 X के बारे में, कमेंट सेक्शन में आप हमें बता सकते हैं। आगे बढ़ते हैं Realme की तरफ। Realme ने फाइनली ऑफिशियली कंफर्म कर दिया कि Realme C11 स्मार्टफोन 14 जुलाई को लॉन्च होने वाला है इंडिया में। सो एक हफ्ते में आपको Realme C11 स्मार्टफोन इंडिया में देखने को मिल जाएगा। और साथ में माधव शेठ ने एक हिंट किया है कि Realme C11 जो स्मार्टफोन होगा 6,000 से 8,000 के बीच में होगा। ट्वीट आपको मैं दिखा रहा हूं यहां पे, 6,000 to 8,000 रुपीज के बीच में अगर Realme C11 स्मार्टफोन आया, विल यू बी इंटरेस्टेड इन द Realme C11 और नॉट? कमेंट सेक्शन में आप हमें बता सकते हैं। आगे बढ़ते हैं Oppo की तरफ। एंड यस, Oppo Reno 4 Pro स्मार्टफोन तो आ ही रहा है इंडिया में, और मैंने आपको हिंट दी थी। अब जो भी लोग हिंट ले पाए कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो कि हमें पहले ही इसके बारे में हिंट मिल चुकी थी। अगर नहीं मिली तो मैं आपको आज एक्सक्लूसिव लीक बता रहा हूं माई स्मार्ट प्राइस का कि भाई Oppo वॉच भी लॉन्च होने वाली है Oppo Reno 4 Pro स्मार्टफोन के साथ। अभी के लिए ये प्लान है, Oppo Reno 4 Pro आएगा और उसके साथ Oppo वॉच भी इंडिया में लॉन्च होगी। बहुत सारे लोगों ने मेरे से पूछा है Oppo Watch कब आएगी, मैंने बताया था BIS पे पहले आई थी और मैं बोल रहा था जल्दी ही लॉन्च हो जाएगी। यस इंडीड, Oppo Watch इंडिया में आने वाली है Oppo Reno 4 Pro स्मार्टफोन के साथ, एज पर एन एक्सक्लूसिव लीक बाय माई स्मार्ट प्राइस।
और साथ ही साथ बात करते हैं Oppo Find X2 Pro के Lamborghini एडिशन के लिए. एंड आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, दिस इज हाउ द Oppo Find X2 Pro Lamborghini एडिशन लुक्स लाइक. आपको एक कैसा लगा स्मार्टफोन, एक आपकी मैं जनरल ओपिनियन लेना चाहूंगा, कमेंट सेक्शन में आप हमें बता सकते हैं. ऑफ कोर्स बहुत महंगा स्मार्टफोन है, इट्स अ वेरी एक्सपेंसिव स्मार्टफोन, बट लुक्स की बात कीजिए. जस्ट मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपको ये फोन कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में आप हमें पक्का से बता सकते हैं. आगे बढ़ते हैं लिनोवो की तरफ. है लिनोवो लीजन गेमिंग स्मार्टफोन की बात करें तो Asus ROG Phone 3 के साथ ये हेड टू हेड जा रहा है. दोनों ही स्मार्टफोन्स में हमें न्यूली लॉन्च्ड या न्यूली अनाउंस्ड Qualcomm Snapdragon 865 प्लस प्रोसेसर देखने को मिलेगा. अब लिनोवो ने एक और यहां पे पंगा ले लिया या फाइट ले लिया या फिर कंपीट करने की ट्राई की है. Asus ROG Phone 3 लॉन्च हो रहा है 22nd ऑफ जुलाई को, इंडिया में भी लॉन्च होगा और बाहर भी लॉन्च होगा. अब लिनोवो लीजन ने भी अनाउंसमेंट कर दिया है कि लिनोवो लीजन गेमिंग स्मार्टफोन भी 22 को लॉन्च होगा. अब ये इंडिया में कब आएगा इसके बारे में कुछ अभी अनाउंसमेंट नहीं हुई. वॉन्ट इट बी एन अमेजिंग न्यूज कि लीजन का ये जो लिनोवो का लीजन गेमिंग स्मार्टफोन है ये भी इंडिया में 22 को लॉन्च हो जाए. आज की वीडियो का पोल भी आपके लिए ही है कि Asus ROG Phone 3 वर्सेस लिनोवो लीजन गेमिंग फोन, अगर ये दोनों स्मार्टफोन्स ऑफकोर्स इंडिया में लॉन्च होते हैं, विच वन विल यू बी इंटरेस्टेड इन. और प्लीज मेरी आपसे दरख्वास्त है, रिक्वेस्ट है, नीचे मत लिखना इतने पैसे नहीं है भाई, ये है वो है. अगर ले सकते एज अ टेक एंथुजियास्ट, अगर आप इन दोनों में से एक फोन को चूज करना चाहते गिवन जो अभी तक जो भी लीक्स वगैरह है, उस हिसाब से आपको क्या लगता है कौन से स्मार्टफोन में आप इंटरेस्टेड होते, कम्युनिटी सेक्शन में जाके पोल करके आप हमें बता सकते हैं. आगे बढ़ते हैं लावा की तरफ. एंड लावा ने एक नया स्मार्टफोन लॉन्च किया है इंडिया में जिसका नाम है लावा Z61 Pro. इसकी स्पेसिफिकेशंस मैं आपको पढ़ के बता रहा हूं, आपको स्क्रीन पे भी दिखा दूंगा. 5.45 इंचेस की HD प्लस 2.5D कर्व ग्लास डिस्प्ले है. 1.6 GHz का ऑक्टो कोर प्रोसेसर जो कि कंपनी ने प्रेफर किया कि इसकी जो इसका नाम है इसके मेक को उन्होंने एनोनिमस रखा है. अनकन्फर्म्ड प्रोसेसर है. 2GB रैम, 16GB इंटरनल स्टोरेज जिसको आप 128GB तक एक्सपेंड कर सकते हैं. एंड्रॉइड OS है, कौन सा एंड्रॉइड OS है वो भी कंपनी ने नहीं बताया. डुअल सिम, 8 मेगापिक्सल का रियर कैमरा, 5 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा, 4G वोल्टी आपको देखने को मिलेगा, 3100mAh बैटरी, स्टैंडर्ड चार्जिंग, माइक्रो USB के साथ, USB 3 नहीं है. इसकी प्राइसिंग रखी गई है 5774 रुपए या फिर 5774 रुपीज. एड्रेसिंग द लॉन्च, तेजिंदर सिंह हेड प्रोडक्ट लावा इंटरनेशनल सेड, एज एन इंडियन ब्रांड वी वॉन्ट टू ब्रिंग प्रोडक्ट प्रोपोजिशन फॉर एवरी सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी. द लावा Z61 Pro इज अ ट्रूली मेड इन इंडिया स्मार्टफोन. सो अब कितना ट्रूली मेड इन इंडिया है वो तो भगवान जाने, प्रोसेसर वगैरह के बारे में पता ही नहीं है तो मैं बोल नहीं सकता, आई कांट कमेंट ऑन दैट. इंटरनल्स कहां के, आई कांट कमेंट ऑन दैट. बट येस, क्लेम ये है कि येस, लावा Z61 Pro स्मार्टफोन इट्स अ ट्रूली मेड इन इंडिया स्मार्टफोन. अगर आपको इस स्मार्टफोन में इंटरेस्ट है आप इसको खरीद सकते हैं. आगे बढ़ते हैं Xiaomi के सब ब्रांड Redmi की तरफ. है सुबह की टेक्स्ट में मैंने आपको बताया था कि Redmi Note 9 इंडिया में लॉन्च होने वाला है जल्दी ही, 3rd week ऑफ जुलाई में लॉन्च हो रही है. और यस, Redmi ने ऑफिशियली इसके बारे में टीज करना स्टार्ट कर दिया. मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, Redmi Note 9 Amazon के थ्रू बिकेगा. एंड यस, अब हो चुकी है अनाउंसमेंट, बता तो दिया था आपको ऑलरेडी. अगर आप इंटरेस्टेड है Redmi Note 9 में तो आप ले सकते हैं. बट यस, वही जो भी है मैं कुछ नहीं बोलूंगा इसके बारे में. आई डोंट इवन नो वेदर आई बी रिव्यूइंग द Redmi Note 9 और नॉट, बट यस, अगर आपको इंटरेस्ट है तो ये थोड़ा सा Redmi Note 9 Pro से Poco M2 Pro स्मार्टफोन से सस्ता होगा. अगर आप उस बजट में Redmi का ही स्मार्टफोन खरीदना चाहते हैं, मे बी Redmi Note 9 आपके लिए एक आइडियल चॉइस हो सकती है. और आगे बढ़ते हैं आज की लास्ट न्यूज की तरफ. बहुत टाइम से OnePlus के बारे में ही न्यूज चल रही है बिकॉज ऑफकोर्स OnePlus Nord इज द करेंट हॉट वर्ड एंड सारे लोग इसके लिए हाइप्ड अप है. 15th ऑफ जुलाई को चलेगी प्री ऑर्डर, 21 जुलाई या 21st ऑफ जुलाई को ये जाएगा सेल पे या फिर ये होगा लॉन्च, सेल का पता नहीं. अब बात करते हैं OnePlus Nord की, आज के जो भी डिटेल्स वगैरह निकल के आई हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल ऑफिशियल चीजों की बात करते हैं तो OnePlus Nord का जो Amazon का प्रोडक्ट पेज था वहां पे अब यू नो रिफ्रेश रेट के बारे में एक टीजर आ चुका है. उन्होंने डैश डैश फ्लूइड एमुलेट विद रिफ्रेश रेट वगैरह जो लिखा है तो वहां पे आप देखो सिंपल चीज है, अगर रिफ्रेश रेट को मेंशन किया है एक्सप्लिसिटली तो यू नो 60 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट नहीं होगी, कम से कम 90 तो होगी ही होगी. तो जो मैंने आपको वीडियो बना के दी थी ना वो OnePlus Nord वाली एवरीथिंग यू नीड टू नो, उसमें बताया था कि एमुलेट 90 हर्ट्ज हो सकता है, वो चीज अब कंफर्म हो चुकी है. ऑलमोस्ट उस वीडियो में जो भी बोला था सब कुछ कंफर्म्ड ही है. आप उस वीडियो को अगर आपने अभी तक नहीं देखा जाके चेकआउट कर सकते हैं. दूसरी चीज विच इज ऑल द वे मोर इंपॉर्टेंट एंड ऑल द वे मोर रेलिवेंट, इवान ब्लास एक बहुत ही नोटेड टिप्सर हैं, लीक्स्टर हैं, उन्होंने रेंडर निकाल दिए हैं फर्स्ट एवर OnePlus Nord के. मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूं, फ्रंट एंड बैक दोनों तरफ से रेंडर्स दिखा रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है दिखने में. फोन नीचे की तरफ आपको OnePlus का लोगो दिखेगा, अलर्ट स्लाइडर है, बटन्स है, पावर वॉल्यूम अप एंड डाउन. आगे की तरफ डुअल पंच होल सेल्फी कैमरा, पीछे की तरफ 4 कैमराज हैं. कैमराज की जो रेजोल्यूशन है वो मैं आपको ऑलरेडी एक वीडियो में बता चुका हूं, एक टेक्स्ट में कुछ टाइम पहले. ऑलमोस्ट सारी चीजें मैं आपको अब बता चुका हूँ. स्नैपड्रैगन 765G एमोलेड डिस्प्ले, 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट, 30 वॉट्स फास्ट चार्जिंग, क्वाड रियर कैमरा, 48 प्लस जो भी आगे था,
फ्रंट का 32+8। अगर आप फिर भी चाहते हैं कि इसके डेडिकेटेड कंफर्म्ड स्पेक्स की वीडियो बनाऊं, बहुत सारे लोगों ने कमेंट सेक्शन में वैसे कहा है इसके बारे में, मैं इसलिए नहीं बना रहा कि यार रेपिटेशन वगैरह ना हो जाए बार बार, कुछ लोग बोलेंगे ये तो पता था फिर क्यों बना रहे हो। उस हिसाब से आप देख के मेरे को कमेंट सेक्शन में आप बोल सकते हो कि वीडियो बनानी चाहिए कि नहीं बनानी चाहिए, बट नेवर्थलेस OnePlus Nord दिस इज व्हाट इट्स गोइंग टू लुक लाइक। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कल का पोल देख लेते हैं। कल हमने आपसे पोल में क्वेश्चन पूछा था, विच वॉज द फर्स्ट एवर टेक्स्ट ऑफ दैट यू वॉच्ड ऑन आवर चैनल। Only 18% people have watched, you know, the text of पहला से 60 वाला text of, 12% लोगों ने 61 to 120, 13% 121 to 180, 15% 181 to 240 and 42% लोगों ने हमें 240th text of के बाद join किया है, which is kind of overwhelming. So that means अब हमारा channel grow कर रहा है, आप सारे लोग नए नए जुड़ रहे हो और आप भी आगे शेयर करते रहो। ये जो 42% लोग हैं, आप लोगों को मैं वेलकम करना चाहूंगा फिर से स्टफ लिस्टिंग्स आर्मी में। आप लोगों ने अगर यू नो भरोसा रखा हमारे कंटेंट पर और आप रोज आके वीडियोस देख रहे हो, दैट मींस द वर्ल्ड टू मी एंड माय एंटायर टीम। आगे भी अगर आपको कंटेंट पसंद आता है, बने रहिए और शेयर करते रहिए हमारे वीडियोस को, सो दैट ये जो 300 से 400 वाला जो अगला ऑप्शन हम आपको देंगे उसमें ये परसेंटेज और आगे बढ़ जाए। सो आई होप आपको वीडियोस वगैरह हमारी पसंद आ रही होंगी। और वीडियो खत्म करने से पहले कल के कमेंट्स पढ़ लेते हैं। हार्दिक कह रहे हैं, भैया माय बजट इज 25K फॉर न्यू फोन, शुड आई वेट फॉर नॉट और एनी अपकमिंग फोन और सजेस्ट मी द बेस्ट वन टू बाय। ब्रदर आई बी वेरी ऑनेस्ट, OnePlus Nord थोड़ा सा महंगा हो सकता है, 28K कह रहे हैं। इफ OnePlus wants to pull off a surprise, हो सकता है 25 का आ जाए, बट मुझे थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है ये। और 25 की बजट में बी ग्रजिंगली आई विल से कि रियलमी X3 इज द ओनली स्मार्टफोन जो मैं अभी के लिए आपको सजेस्ट करना चाहूंगा। 855 प्लस प्रोसेसर है, IPS है, बट स्टिल रिफ्रेश रेट ज़्यादा है। प्रोसेसर के अलावा कैमरा भी वहाँ पे अच्छे हैं, बैटरी ठीक ठाक आपको मिलेगी यहाँ पे, तो यस। उसके अलावा अगर आप यू नो कोई बात करो कि पोको X2 है, रियलमी X2 है, वो सारे स्मार्टफोन, ये दोनों स्मार्टफोन्स में 20K के अंडर आपको स्टिल सजेस्ट करना चाहूंगा। Redmi Note 9 Pro Max है, उस टाइम पे ना 15 से 20 की रेंज में बहुत चॉइसेस हैं, ये 25 वाली बहुत ट्रिकी एक यू नो जोन है। यहाँ पे मैं पर्सनली तो आपको रियलमी X3 सजेस्ट करूंगा, बट स्टिल ज्यादा टाइम रह नहीं गया यार, 10 दिन रह गए हैं, 10-11 दिन रह गया OnePlus Nord का वेट कर लो, देखते हैं प्राइसिंग क्या होती है। और हो सकता है अगर आप तब तक कुछ थोड़े से पैसे और यू नो इकट्ठा कर सकते हो, मे बी OnePlus Nord माइट टर्न आउट टू बी अ बेटर ऑप्शन फॉर अस। सोहम दास कह रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेचुलेट यू टू रीच 300 टेक्स्ट ऑफ एपिसोड, थैंक्स लॉट ब्रदर, आई रिसेंटली सब्सक्राइब्ड योर चैनल, ओके, एंड आई रियली लाइक योर वीडियोज, स्पेशली सीधी बात नो बकवास वाली हरकत, या वो तो सीधा चलेगा। During Poco M2 Pro unboxing, I have two questions. Any news about Realme 7? Bro, I'll tell you honestly, Realme 7 के बारे में अभी तक कोई official confirmation नहीं है, और जो model numbers वगैरह आते हैं आपको बाकी videos पे भी दिखते हैं, वो मैं ही आपको find करके बताता हूँ Twitter पे। तो अभी के लिए जहाँ मेरे को ही नहीं पता कि Realme 7 का क्या है, तो अभी के लिए Realme 7 के बारे में अगर आपको कोई बोल रहा है कि Realme 7 आने वाला है, आपको ये पता होना चाहिए कि इट्स ऑल स्पेकुलेशन। मैं भी स्पेकुलेट कर सकता हूँ अभी, बिकॉज मैं स्पेकुलेट इसलिए कर सकता हूँ, मैं लीक्स्टर हूँ और मेरा काम है मॉडल नंबर से खेलना, मैं उनको रिसर्च एनालिसिस वगैरह करता रहता हूँ और मेरे को पता रहता है कि इस स्मार्टफोन का ये मॉडल नंबर है। अगर आपको नहीं पता तो कुछ टेक्स्ट ऑफ पहले, एक दो महीना पहले, जो भी बंदे यहाँ पे हमारे साथ जुड़े हुए थे, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो यस इट हैपेंड। मैंने बोला था कि पोको M2 Pro स्मार्टफोन का जो मॉडल नंबर है वो कहीं ना कहीं Redmi Note 9 सीरीज से मैच कर रहे थे, स्पेक्स वगैरह लुक्स वगैरह आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वैसी ही मिलेंगी, और वैसा ही हुआ है। सिमिलरली मैं जो ये यू नो प्रिडिक्शंस होती हैं ये जो करता हूँ, मैं बिल्कुल सोच के कर रहा होता हूँ, तो उसी हिसाब से अभी के लिए मैं आपको बोल रहा हूँ Realme 7 सीरीज के बारे में कोई न्यूज़ नहीं है। आई एम कन्फ्यूज बिटवीन टू ईयरबड्स, बोट एयरडोप्स 441 और Realme Buds Q। लुक्स की अगर बात करो आप, तो मेरे को ऑन पेपर Realme Buds Q बेटर लगते हैं देखने में, दोनों में से मैंने एक को भी टेस्ट नहीं किया। अगर कमेंट सेक्शन में आप में से किसी ने भी इन दोनों में से किसी भी ईयरबड्स को टेस्ट किया है, आप सोहम दास का रिप्लाई दे सकते हैं, आप भी बता सकते हैं, रिव्यू कोई भी कर सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है कि यू नो मैं इस साइड बैठा हूं कैमरा के तो मैं ही सब कुछ बताऊंगा। अगर आप में से किसी ने भी इन दोनों में से किसी ईयरबड्स को टेस्ट किया है, और इफ यू फाइंड एनी अदर थर्ड ऑल्टरनेटिव टू बी बेटर, आप इनके कमेंट को जाके एक बार रिप्लाई करके इनकी हेल्प कर सकते हैं। मैं पर्सनली अभी के लिए इन दोनों में से किसी के बारे में भी नहीं बोलूंगा कि ये वाला बेटर है, बिकॉज है ही नहीं मेरे पास, तो बिना कहे ऐसा कुछ सही नहीं रहेगा। लास्ट कमेंट मैंने पिक किया आदित्य का, वो कह रहे हैं, आई वॉच अ लॉट ऑफ टेक यूट्यूबर्स सिज टेक न्यूज, बट टुडे आई सॉ योर टेक न्यूज, इट्स डिफरेंट एंड बेटर देन देम, थैंक यू वेरी मच फॉर दैट, थैंक्स लॉट ब्रदर, एंड आई ट्राई माय लेवल बेस्ट टू कीप इट एज सिंपलिस्टिक एज पॉसिबल। लंबी बहुत खिंच जाती है बिकॉज मैं बातें करने की आदत है, बट अगर बात नहीं करेंगे तो बात क्लियर नहीं हो पाएगी, सो दैट्स व्हाई मैं ट्राई करता हूँ कि हर न्यूज को मैं अपनी तरफ से ढंग से आपको समझा पाऊँ, और वो यू नो यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं फॉर्मल तरीके से मैं बात नहीं करता, मैं आपको नेचुरल तरीके से समझाने की ट्राई करता हूँ, उसमें अगर थोड़ा सा टाइम लग जाता है, वंस अगेन टाइम स्टैम्प होता है, अगर आपको जो काम की न्यूज लगती है आप उस न्यूज को जाके चेकआउट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं कमेंटेटर ऑफ द डे की तरफ, वॉकर स्लीप इज द कमेंटेटर ऑफ द डे, वो कह रहे हैं पोको F1 वॉज अ फ्लूक, पोको F2
will probably be a myth. Yes, Poco F2 के बारे में मैं कुछ अभी नहीं बोलना चाहूंगा, फ्यूचर में बात करेंगे कभी. जहां तक Poco F1 की बात है, इट वॉज अ वन टाइम शॉट यार. अभी तक ना Poco ने जो किया है, Poco X2 वॉज अ गुड फोन, नो डाउट्स अबाउट इट, इट इज अ गुड फोन. बट Poco का जो है ना एक्चुअलिटी, जो ओरिजिनलिटी होती है, वो खाली Poco F1 में दिखी थी. एंड अभी तक अगर आप Poco F1 को यूज करोगे, अभी तक वो पुराना नहीं लगता यार. बहुत सारे लोग अभी भी कर रहे होंगे. कितने लोग Poco F1 यूजर्स हैं आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकती हैं. तो यस, आई वुड genuinely want Poco to repeat history. And हम सारे लोगों को, हम सारे लोग क्वेश्चन कर रहे हैं आज Poco को, इंक्लूडिंग मी. मैं चाहता हूं कि यार Poco हमें अच्छे से जवाब दे कि भाई ये लो, ये रहा प्रोडक्ट, नाउ डील विद इट. सो अब देखते हैं फ्यूचर में क्या बनता है. अभी के लिए तो यार इट्स काइंड ऑफ डिसअपॉइंटिंग. और वीडियो खत्म करते हैं स्टफ दैट यू शुड नो के साथ. अमन ने एक इंटरेस्टिंग फैक्ट प्रोवाइड किया, वो कह रहे सैमसंग रिफ्यूज टू बाय एंड्रॉइड 2 weeks बिफोर गूगल एक्वायर्ड इट. ओहो, ये तो गलत हो गया. चलो, किस्मत किस्मत की बात है, सबकी अपनी अपनी किस्मत. अगर सैमसंग ने एक्वायर कर लिया होता एंड्रॉयड को, वी कैन ओनली इमेजिन क्या होती चीज आज. क्या पता खाली सैमसंग ही एंड्रॉयड चलाता जैसे एप्पल आईफोन चलाता है, और बाकी के ब्रांड्स जो हैं वो अपने अपने ओएस चलाते. सबकी अपनी अपनी सोच होती कि शाओमी कह रहा है मैं अपना ओएस बनाऊंगा, सैमसंग अपना, रियलमी अपना. बट गूगल ने एक्वायर किया, गूगल ने उसको ओपन सोर्स बना दिया, एवरीवन कैन यूज इट नाउ. सो यस, यू नो, इन अ पैरेलल यूनिवर्स अगर ऐसा हुआ होता, थिंग्स वुड हैव बीन वे डिफरेंट. आज हम अलग ही तरीके से इंटरेक्ट कर रहे होते. बट नेवर्थलेस, अमन तुलसिया ने एक इंटरेस्टिंग स्टफ हमें प्रोवाइड किया है. अगर आपको इसके बारे में पता था, आप कमेंट सेक्शन में जाके बोल सकते हो आई न्यू सो. नहीं पता था, इनके कमेंट को आप एक थम्स अप दे सकते हैं, बिकॉज इट्स सम इंटरेस्टिंग फैक्ट दैट वी ऑल शुड नो. So there you go guys, that's all for शाम वाली वीडियो. I hope अपने सुबह वाली वीडियो और सोनी के TWS के अनबॉक्सिंग भी देख ली होगी. अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी, आप जाके उनको भी चेकआउट कर सकते हैं. I hope you like this video. If you did like this video, don't forget to like, share and subscribe if you haven't already. God bless you all. Peace. But as and but अब Gboard अपने नए जो Google का जो अपना Gboard Xiaomi के सब ब्रांड Redmi की तरफ, मैंने आपको कल सुबह nevertheless OnePlus Nord, this is how it's going to. अगर आपको अच्छी डिफरेंट लगी, yes, better than them, क्या बोल रहा हूँ मैं? Yes, so yes, thanks a lot for that, brother. And नहीं, वापस बोल देता हूँ, ये सारा खुद ही confused हो गया. Of course, some interesting thing, which or not.